सो हे गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मेरे थोड़े गले के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा गला हो गया ख़राब, क्योंकि मैंने खाया है बहुत ज़्यादा काजू बादाम, इसलिए चलो अवॉइड। तो आज का ब्लॉग मैं शेयर करूँगी कि मुझे करवा चौथ पे मेरे हस्बैंड ने क्या क्या गिफ्ट दिए। कुछ उन्होंने मुझे मतलब पैसे भेज दिए थे कि खुद से ले लेना, कुछ उन्होंने खुद दिए थे और कुछ मेरे को उन्होंने एडवांस में दिया था, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। और एक जो है वो अभी पेंडिंग है, वो मुझे अभी मिला नहीं है, वो भी मिलेगा या जब वो आएंगे तब मिलेगा, या तो उन्होंने बोला कि खुद टाइम निकाल के लेके आ जाना। तो सबसे पहले जो मैंने ये स्वेट शर्ट पहना है, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है और ये मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि वो मुझे भेज रहे हैं। और तब बहुत मतलब कभी सम टाइम अगर उन्होंने मुझे कुछ भिजवाना भी होता ना, मोस्टली तो वो अपनी मर्ज़ी से ही भिजवा देते जो भी भिजवाना हो, लेकिन सम टाइम वो मेरे को पूछते हैं कि ये ले रहा हूँ ठीक है, तेरे पसंद का है या नहीं है। बट ये उन्होंने मुझे अपनी उन्होंने खुद की चॉइस का भेजा, तो इतना प्यारा कलर है ना और इतना अच्छा और कंफर्टेबल है ना, बहुत बहुत अच्छा। तो थैंक यू पतिदेव जी, इतना सुंदर और मेरे मनपसंद की चीज़ है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर कपड़ों के बाद मैं शिफ्ट होती हूँ पायल पे। ये उन्होंने मुझे पायल गिफ्ट की है, ये उन्होंने मुझे पहले ही लेके दे दी थी मुझे ना डेली वेयर के लिए। मेरे पास पतली चेन वाली नहीं थी, थोड़ी थोड़े हैवी हैवी में ही थे, तो मुझे बिल्कुल पतली चेन चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे एक दूसरी दिलाई थी। तो फिर मेरे को ये भी अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, थोड़े दिन के बाद करवा चौथ भी है तो उसके बाद तुम ये पहन लेना चेंज करके, तो एक ही ये हो गया ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक और ड्रेस भिजवाई थी जो कि है ये वन पीस ड्रेस थी, और ये इतनी सुंदर है यार, ये भी मिंत्रा से है और ये भी मिंत्रा से ही भिजवाए, इतना सुंदर है ना। देखो इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी है, इसका गला, इसका बॉर्डर, और मतलब इतना खुला इसका घेरा है ना, देखो बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं ये सोची मेरे घर में शादियाँ भी, तो मैंने ना फिर हम ऐसे वेडिंग सूट पहनते हैं, तो फिर मैंने रात को वेडिंग सूट नहीं पहना क्योंकि उनको फ़ोन मिला था थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल करने के लिए, तो फिर मैंने यही पहन के दिखाई उनको और उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिर उनको भी खुशी हुई ना कि मतलब उनका भेजा हुआ मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने फिर उस दिन यही पहना था, वेडिंग सूट भी नहीं पहना था ये, और इसके साथ ये दुपट्टा था, इतना प्यारा कंट्रास्ट था ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लगा ना। तो ये मैं इसको फिर से रीयूज़ करूँगी, उस टाइम तो मैंने सिर्फ वो चांद की पूजा करने के लिए पहना था, लेकिन अभी मैं इसको सोच रही हूँ मैं इसको शादी में भी अभी यूज़ कर दूँगी दोबारा, एक बार जब वो अगर आए शादी में तो फिर नहीं भी आएंगे तभी, अगर वो आएंगे जहाँ पे फिर मैं उधर ही पहनूंगी उनके साथ में। फिर उन्होंने जो मुझे मतलब पैसे भिजवाए थे स्पेशली कपड़ों के लिए, और उसमें से मैंने लिया एक ये मतलब ये मुझे एनिवर्सरी के लिए मिला है, मेरी एनिवर्सरी के लिए ये मैं उस दिन पहनूंगी, सुंदर है ना, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये ना एक्चुअली वो है, ये इसका बॉटम है, बॉटम इसका प्लेन है पूरा प्लाजो में, और ये इसका अंदर का श्रग है। और बट इसमें मुझे ना एक चीज़ वो लगी कि इसको ना स्लीव्स होनी चाहिए ना, स्लीवलेस है तो बंदा ऐसे भी पहन सकता है अगर कोट ना पहनना हो, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कोट तो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी एनिवर्सरी के लिए मुझे एडवांस ही मिल गया है, ये मैं पहन के जाऊँगी। और एक मुझे ये सूट मिला है, ये मैंने खुद लिए सूट, मैंने खुद लिए ये वाले, जो ये तो मैंने लोकल दुकान से लिए हैं, आपको पता ही है कि दुकान है मेरी अमन्ना टेक्सटाइल, उधर से लिए, बहुत ही सुंदर स्टब और स्ट्रेच में है, देखो स्ट्रेचेबल है, मतलब कलर देखो ना यार सुंदर लगती मैं हाँ। और ये इसका बॉटम है प्लाजो, यार मैं ये जानबूझ के ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे इसको ये चीज़ नहीं लेना कि बड़ी एरोगेंट है या ऐसा है कुछ भी, ऐसे थोड़ा बहुत चलता है। ये इसका बॉटम है और ये इसका स्टॉल है, लुक एट दिस स्टॉल, कितना सुंदर कलर है ना, वाओ। ये नहीं अभी मैं पहनने वाली इतने जल्दी, बट वो तो एनिवर्सरी के लिए लेके मैंने मतलब इन्होंने बोला था जीन्स ले जो मर्जी ले जो तेरा मन है वो ले, तो एक मैंने ये लिया, मैं सिर पे रख के दिखाती हूँ ना, थोड़ा डार्क कलर है, आ ही नहीं रहा सिर पे लेने ऐसे लेन दूँ ना हाँ। तो अभी अगर शादी है हमारे घर में जिस दिन ठंड हो जाएगी ना,
तो बारिश पड़ेगी तो फिर मैं यही पहन के जाऊंगी उधर, है ना। ये शॉल है और इसकी शर्ट बहुत सुंदर है। ये भी मैंने मन्ना टेक्सटाइल से ही लिया, देखो वाह कितना। और ये रेंज वाइज तो परफेक्ट है सूट। और ये इसका बॉटम है और इसके बॉटम में भी ये है वर्क है, ये है सितारे। मैं कुछ भी बोलती हूँ। और एक और ड्रेस दिखाती हूँ मैं। और लास्ट में गाइस मुझे एक ड्रेस भेजी थी जो शॉर्ट्स में है, शॉर्ट ड्रेस है, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये है ये। और ऐसे में ना मेरे ये फैब्रिक जॉर्जेट का है, मेरे पास ना कॉटन में थी पर मेरे पास वो वन पीस टाइप था। ये शॉर्ट ड्रेस है बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे स्पेशली बहुत पसंद आई। सो गाइस ये कर रहे थे हम चांद की पूजा और ये रहे मेरे चांद तो यही है। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये भी, क्योंकि हमारे में हम ऐसे डिस्टेंस में पर दिल से तो हम एक साथ ही है ना हमेशा के लिए। ये तो हमारा जन्म जन्म के रिश्ता है, जन्म जन्म के बंधन है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ट्रूली, मैं मिस नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता था वो मेरे साथ ही है हमेशा और वो हमेशा साथ ही रहेंगे, चाहे मैं नाराज़ हूँ, चाहे मैं गुस्सा करूँ, चाहे मैं जो मर्ज़ी करूँ, बुगे ने मेरे साथ कभी नहीं छोड़ना है। तो ठीक है थोड़ा बहुत तो सबके बीच में होता ही है बट फिर भी लाइफ ऐसे ही चलती है हस्बैंड वाइफ की, तो टेंशन ही ले। गिफ्ट आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। और मैं थोड़ा सा जो मेरा अभी ये तो आए नहीं थे करवा चौथ पे तो मुझे ना ऐसे इतना मैंने मेरा ना मैं मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होती हूँ कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज तक ऐसा कोई त्यौहार नहीं गया हम दोनों का या एनिवर्सरी बर्थडे कि हमने सेलिब्रेट ना किया हो। हाँ शादी के बाद मेरा वही किया था शादी के बाद और फिर तो हम साथ में मैं मतलब चले गई थी इनके साथ ही इकट्ठे ही रहे तो हमने हर एक चीज़ सेलिब्रेट किया। पर ना मुझे ऐसा ना एक सेकेंड के लिए भी फील नहीं हुआ कि यार घर में नहीं आई ये तो करवा चौथ की ये चीज़ें नहीं आई नहीं। मैंने कहा यार मतलब ये बोलते हैं ना कि यार हम मतलब ऐसे दूर हैं, है तो एक ही है ना, तो मतलब कि यार वो 24 आवर मेरे साथ है, मेरे सुख में मेरे दुख में, बस वो मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है बट वो अपना हर रोल प्ले कर रहे हैं मेरे लिए। तो मतलब मुझे वो चीज़ नहीं खली क्योंकि वो मेरे ही हैं और वो मेरे साथ है हमेशा। तो मतलब मुझे ये बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगा कि वो घर पे नहीं है तो मैं कैसा करवा चौथ, मेरा अच्छा लगा, मेरा अच्छा गया, मुझे अच्छा लगा। और मतलब ये इन्होंने मुझे यही बोला था कि ये भी मोमेंट होते हैं तो हर चीज़ को इन्जॉय करना होता है, तो मैंने वो भी चीज़ इन्जॉय की। और मुझे वीडियो कॉल पर भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो वीडियो कॉल पर यूनिफॉर्म में थे और मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में, बहुत बहुत। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही मन रखने के लिए अपना कि वो घर पर नहीं थे, तब बहुत अच्छा लगा यार। वो भी मेरे लिए ना बेस्ट एक्सपीरियंस था सच्ची में यार, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो वीडियो कॉल में थे फिर मैं चांद की पूजा। थोड़ा ऐसे फिल्मी स्टाइल है बट मुझे अच्छा लगा। और ये लगाई थी मैंने मेहंदी, अब तो निकल गई है और मैंने इनका नाम इधर लिखवाया था, पीछे के तो जल्दी निकाल दिए क्योंकि मेरे को फिर से लगवानी है एनिवर्सरी पे, फिर जल्दी निकलवानी पड़ेगी। तो एनिवर्सरी 13, 14, 15, 16, 17, 18 यार एनिवर्सरी में ना मैं कलर वाली लगा दूँगी, फिर मैं ऐसी नहीं लगाऊँगी क्योंकि फिर शादी है, फिर मुझे शादी में भी लगवानी है, फिर दूसरी शादी भी है, फिर शादी में भी हम कलर वाली लगाएंगे, नहीं शादी में हीना ही लगाएंगे, एनिवर्सरी में मैं कलर ही लगा दूँगी, कलर वाला होता है ना इंस्टेंट मेहंदी जो होती है वो लगा दूँगी। सो गाइस ये थे मेरे करवा चौथ के गिफ्ट्स और कैसे लगे आप मुझे बताना। और एक गिफ्ट मेरा पेंडिंग है, जब वो मुझे मिल जाएगा तब मैं आपको दिखा दूँगी किसी और ब्लॉग में, शायद तब तक तो ये भी आ जाएंगे, पॉसिबिलिटी है और नहीं है, मे और मे नॉट की कंडीशन है अभी मेरे आगे, बट ठीक है जब भी आएंगे अच्छे रहें जहाँ भी हैं, सभी अच्छे से रहें भाई, जो भी जहाँ भी है सब खुश रहें अच्छे से रहें और मुझे भी अच्छे से रहने दें जोक्स अपार्ट। और बस सपोर्ट करते रहना गाइस और कुछ गलतियाँ हों तो माफ़ भी करना क्योंकि परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं खुद मानती हूँ मेरे में बहुत सारी कमियाँ, मेरे में बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो
तो अभी मैंने ये तरार डाला है, तो अभी मैं इनको पहले कवर अप भी कर लेती हूँ, रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं सो के उठूँ तो मेरे आगे गंद पड़ा हो, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ और ब्लॉग एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ।